हेलो फ्रेंड्स, आर्यम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रमेश मौर्य। आपको आज जो है तीसरा दिन है, कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले मैं कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का बना चुका हूँ, बहुत डिटेल में ट्रांसलेशन करने का ट्रिक बताया हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो तब इसको देखिए। फिर भी इसमें हम पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पिछला एपिसोड क्या था 2 मिनट में बता रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बताते जाएंगे पूरा बहुत अच्छे ढंग से। तीनों टेंस आज ही हम ख़त्म कर देंगे, तो मेरे साथ बने रहिए 10 मिनट, बस सारा काम आपका हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों टेंस के कंटिन्यूअस देख लेते हैं। पहचान तीनों के देखिए, रहा रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, हर जगह था जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस की, रहा होगा रहेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। इज हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, विल बी, शैल बी, जिसमें से इज और वाज एकवचन के साथ लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ वाज भी लगता है, और आर और वेयर बहुवचन के साथ लगता है, आई वी के साथ शैल भी लगता है, बाकी के साथ विल भी लगता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सबके साथ आप विल भी लगा सकते हो क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आई यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की एंजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। क्लियर? तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। अब देखिए यही चीज़ यह है, वह खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग हो जाएगा, फिर आगे वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग हो जाएगा। इस तरह से एक ही टेंस से आप सारा समझ लीजिए, एक ही एग्जांपल से थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको फ्लुएंसी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बताया जा रहा है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह खेल रहा होगा, विल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर आपको ध्यान देना है, तभी आप स्पीकिंग बोल पाओगे, नहीं तो आप सोचते ही रह जाओगे ग्रामर के नियम। इतना नहीं आपको ध्यान देना है यहाँ पर, केवल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर ध्यान देना है। वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। वो मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, खेल रहा होगा, विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इतना स्पीड में आप बोलोगे, समझोगे, माइंड में ट्रांसलेट करोगे, तब आप स्पीकिंग के लिए बेटर हो जाओगे। अपनी स्पीड बढ़ाइए इस तरह से मेरे साथ बने रह के। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश पढ़ा रहा था, अगर आ जाएगा तो वाज हो जाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। बाकी टीचिंग रहेगा टीचिंग, रीडिंग रहेगा तो रीडिंग, जो भी पढ़ा रहा हूँ जो भी रहेगा आप बता देना है। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, आई सेल और आई विल मत कहिए, आइल शॉर्ट फॉर्म आप यूज करिए आइल, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो इसलिए मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में विल सेल को ख़त्म कर दें, क्योंकि सभी के साथ कंट्रैक्टेड फॉर्म आइल लगता है। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ तक हम आपको पीछे बहुत डिटेल में बताएं, आप उसको देख लीजिएगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करिए, सब आपका काम हो जाएगा। केवल निगेटिव में नॉट लगना है, कहाँ लगेगा, तीसरे नंबर पर लगेगा, दूसरे नंबर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर नॉट, नॉट फिर वर्ब का एंजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस इतना ही आपको याद करना है। नॉट कहाँ लगेगा, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगेगा, इतना ही आपको बोलते समय ध्यान देना है, बाकी अफर्मेटिव से ही काम चलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, तो देखिए वही एग्जाम्पल है, केवल नॉट लगाना है। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अभी बता चुके थे पीछे, नॉट लगाना का आप तरीका तीसरे नंबर पर जानते रहिए। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तीसरे नंबर पर आप नॉट लगा दिए, वाज और वाज लगा दीजिए पास्ट के नाते। फ्यूचर में यही होगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो आप आई विल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश कर दीजिए। फिर इंट्रोगेटिव का भी देख लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब वही पहले आते हैं। देखिए निगेटिव का है सूत्र, उसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट था, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, यही आपकी स्टाइल है, बस केवल यही इतना समझना है, बाकी सब को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि स्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा फर्स्ट टाइप में, क्या से शुरू होता है हिंदी वाक्य में, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, बस इतना आपको ध्यान देना है। आपको जो पॉइंट समझ में आया नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आगे देखते जा रहे हैं हम। एग्जाम्पल, क्या मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, तो आपको बोलना है किसी से, क्या आई एम आई हेल्पिंग यू, आई एम शुरुआत में कर दीजिए, क्या के अंग्रेजी, वही क्या मैं आपकी सहायता कर रहा था रहेगा तो वाज कर दीजिए, क्या के अंग्रेजी, क्या मैं आपकी सहायता कर रहा हूँगा, सैल लगा दीजिए, सैल के साथ आई कर दीजिए। वैसे बिल का भी प्रयोग स्पोकन लैंग्वेज में कर सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली सैल ही सही है। फिर देखिए अब यही वाक्य निगेटिव बना देते, क्या मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, अब तक था नहीं कर रहा हूँ, नकारात्मक ढंग से भी देख लेंगे, आई एम आई नॉट हेल्पिंग यू, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना, बस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा, नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जो भी आप लिखते चले जाइए। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा था, देखिए नहीं आ गया तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट कर दिए, बात खत्म। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस आ गया तो सेल आई नॉट बी हेल्पिंग यू, इस तरह से आराम से बना सकते हैं आप। फिर आइए सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप में होता क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये शब्द जो है
जरूर आते हैं, वाक्य के बीच में आएंगे, और इनके लिए WH से शुरू होता है अंग्रेजी, तो आप इसको WH फैमिली कहते हैं। और अब केवल एक शब्द है SOW, ये SOW से शुरू है, W इधर है, S शुरू में है, बाकी सभी शब्द WH से ही शुरू होते हैं, इसलिए इनको WH टाइप वाक्य भी कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होगी अंग्रेजी बनाने की, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब यही कब क्यों कहाँ कैसे की अंग्रेजी, व्हाट व्हेन हाउ वेयर, ये सब लिखना होगा। उसके बाद जो आप फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब के अंश, सारा सूत्र वही रहेगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एन जी फॉर्म का ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वाई 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 यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी आप पहले लिख दीजिए वाई, साइक्रे इज ही प्लेइंग क्रिकेट हियर, माने यहाँ जैसे फर्स्ट टाइप बनाते थे एकदम वैसे ही, आपको केवल इतना ध्यान देना जितना मैं बता रहा हूँ, आराम से आप बोलोगे मेरे साथ बने रहोगे तो सब कुछ मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे। वाई यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहा था, वाई इज वाई वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, देखिए था आ गया तो इज का वाज हो गया, बस और कुछ नहीं करना, सारा नियम वही है, क्लियर। वाई यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो वाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट हियर। यहाँ आपको यह ध्यान देना कि बिल जो है केवल लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाएगा तब भी, कोई भी सहायक क्रिया दो पार्ट में रहती है, तो पहले पार्ट को हम लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर तब दूसरा पार्ट लिखते हैं, अगर वही नॉट होता तो भी इस पहले नॉट लग जाएगा, अभी आपको आएगा। तो आई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट हियर, यहाँ इतना जान लीजिए। वह यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है, नहीं है तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट प्लेइंग क्रिकेट हियर, वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट हियर। और वह यहाँ क्रिकेट क्यों खेल नहीं खेल रहा था, तो नहीं खेल रहा था आ गया, देखिए वाई वाज ही नॉट, तो रहा था गया तो वाज कर दीजिए, बाकी सब वही है। अब यही फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा, वह यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, तो अब देखिए वह यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट हियर, यही आपको बताया था। सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपको करना क्या है, वाई के बाद तुरंत आधी सहायक क्रिया लिखना, बिल एक पार्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट फिर नॉट है तो नॉट लिखिए बी, अब इसके पहले नॉट नहीं था तो आप नॉट नहीं लगाए थे, प्लेइंग क्रिकेट हियर। अब देखिए कुछ सेंटेंस आपको जो है यहाँ प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, और इस तरह से इसको कई प्रकार के वाक्यों में बनाने का प्रयास करिए, तब आप स्पीकिंग के लिए बेटर होगा। आपको कहाँ परेशानी आती है हमसे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिए, बाकी अगले वीडियो में बताया जाएगा। देखिए मोदी देश की दशा सुधारने, मान लीजिए अब रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अब इसको आप इसको मोदी देश की दशा सुधार रहे थे अपने मन से लगा के बना लीजिए, बता देना एक तरीके, ऐसे आपको बना के प्रैक्टिस करना है, मोदी देश की दशा क्या सुधार रहे होंगे, इस तरह से बना लेना है, मोदी देश की दशा सुधार रहे हैं, सुधार रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, सुधार रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में आपको एक साथ बनाना है क्योंकि स्ट्रक्चर एक साथ दिए हैं, क्योंकि स्पीकिंग के लिए यही बेटर तरीका है, तीनों में सोचेंगे जिसमें भी रहेगा खट से आप साइक्रिया चेंज करके बना लेंगे, माइंड में ट्रांसलेट कर लेंगे, धीरे धीरे आप इंग्लिश में ही सोचने लगेंगे इस तरह से। अब देखिए इसकी अंग्रेजी क्या होगी, मोदी इज इम्प्रूविंग, इम्प्रूव में सुधारना, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री, मोदी मोदी इज इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री, रहे हैं हो गया, थे आ गया तो मोदी वाज इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री, मोदी देश की तरह सुधार रहे होंगे, मोदी विल बी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, इस तरह से तीनों में आपको ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद आप यही वाक्य फिर नॉट लगा के बनाना है आपको, मोदी इज देश की दशा नहीं सुधारना, ऐसे बना लेना, नहीं सुधार रहे हैं, नहीं सुधार रहे थे, नहीं सुधार रहे होंगे, तो उसकी अंग्रेजी हो गई मोदी इज नॉट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, मोदी वाज नॉट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, मोदी विल नॉट बी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, इसी तरह से आपको आगे चार वाक्य जो हैं इनका भी बनाना है। और यही नहीं निगेटिव के अलावा आप इंट्रोगेटिव भी बना लेना, ऐसे बना लेना, क्या मोदी देश की दशा सुधार रहे हैं, इज मोदी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, क्या मोदी देश की दशा सुधार रहे थे, वाज मोदी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, क्या मोदी देश की दशा सुधार रहेंगे, बिल मोदी बी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का निगेटिव बना लेना, नॉट लगा के, इज मोदी नॉट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, वाज मोदी नॉट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, बिल मोदी नॉट बी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री। उसके बाद आप सेकंड टाइप भी बना लेना, वाई इज मोदी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, क्यों मोदी देश की दशा क्यों सुधार रहे हैं, तो अब क्यों सुधार रहे थे, क्यों सुधार रहे होंगे, वाई वाज मोदी नॉट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, वाई विल मोदी बी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, तो उसके बाद इसमें नॉट लगा लेना कि वाई इज मोदी नॉट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, वाई वाज मोदी नॉट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री, वाई विल मोदी नॉट बी इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कंट्री। इस तरह से दोस्तों आप इसको सारे स्ट्रक्चर में जितना स्ट्रक्चर बताया गया, नॉट लगा के, क्या लगा के फर्स्ट टाइप बना लेना, क्यों लगा के सेकंड टाइप बना लेना, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, 150 वाक्य इस तरह से बना लेंगे इस टेंस पर, तो बहुत अच्छा बोलेंगे आप। बाकी आप चाहे तो इंट्रोगेटिव नहीं भी बनाएंगे चलेगा, अफर्मेटिव निगेटिव जरूर बना लेना, क्योंकि स्पोकन में ज़्यादा अफर्मेटिव और निगेटिव ही प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट टाइप का प्रयोग किया जाता है, सेकंड टाइप बहुत कम ही प्रयोग किया जाता है, फिर हल आप बना लेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। तो
आगे चार वाक्य दिए हैं, इसका मैं केवल एक ओरिजिनल बता दे रहा हूँ, बाकी आप निगेटिव इंटरगेटिव सब कुछ अपने आप बना लेना। चलिए बता दे रहा हूँ, मैं अपने घर में पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन माई हाउस। स्टडिंग मतलब बैठ कर लंबे समय तक पढ़ना, नहीं तो आप सिंपली रीडिंग भी कर सकते हो। आई एम स्टडिंग इन माई हाउस, वो अपना काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। क्या मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, आई एम आई बोदरिंग हिम। बोदर माने परेशान करना, बी ओ टी एस सी आर, ब्रदर से आर हटा दीजिए बोदर हो जाएगा, या तो ट्रबलिंग भी कर सकते हो, ट्रबल माने भी कष्ट देना, परेशान करना। तो आई एम आई बोदरिंग हिम या ट्रबलिंग हिम। आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो इस तरह से इसका भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कहाँ दिक्कत होती है, कौन सा ट्रांसलेशन नहीं आता है, किस टेंस में प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।